ओके सो हाय गाइस वस्सा वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस ये जो वीडियो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और गाइज अगर अभी तक आप सभी ने दिवाली की ये वाली फोटो एडिटिंग अगर नहीं देखी तो गाइज आप लोग ये वाली वीडियो जरूर जाकर देखना, इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको आई बटन में पूरी जितनी भी दिवाली की कॉन्सेप्ट है गाइज सबका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो गाइज आप उन वीडियो को जाकर जरूर वॉच करना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस आपको जाना ऐसे गाइस ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को, ठीक है। तो आप सभी को मॉडल का जो है गाइस आपको मतलब फोटो क्लिक करवा लेना है गाइस कुछ स्टेप से, आपको मतलब थोड़ा सा रनिंग करते हुए आपको इस कुछ स्टेप से फोटो क्लिक करवा लेना है। देन गाइस आपको सिंपली यहां पे आपको उसका बैकग्राउंड इरेज करके एंड यहां पे आपको लगा देना है, ठीक है। देन गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से आपको ऐड करना है विंग्स का पीएनजी, एंड विंग्स का पीएनजी ऐड करने के बाद गाइस आपको क्या करना है गाइस आपको कुछ स्टेप्स इसका जो साइज़ है कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है, एंड गाइस साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा ही रखना ताकि जो मतलब कि पूरे बैकग्राउंड में फिट हो जाए अच्छे से कुछ स्टेप से। एंड गाइस उसके बाद रिजल्ट के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके सिंपली इसको बैक कर देना पीछे की तरफ, एंड गाइस ये ऑटोमेटिकली बैक चले जाएगा। देन गाइस इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस आप सभी को अभी डन नहीं करना है, ठीक है। फिर आप सबको जाना है जैसे ऐड फोटो में, एंड गाइस जो हमारा डॉग है गाइस पिटबुल आपको सिंपली इसको लेना है, एंड गाइस इसको लेने के बाद आपको सिंपली ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड करना है। एंड गाइस इसको ग्रे कलर का बनाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से जाएंगे एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको सैचुरेशन वाला ऑप्शन मिलेगा आपको सिंपली इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड गाइस जाना आपको ब्राइटनेस में, आपको उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ पे कम कर देना है। ब्राइटनेस कम कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है आपको गाइस इसका साइज जो छोटा करना है, रोटेट वाले ऑप्शन में जाकर इसको रोटेट कर देना आपको ऊपर से थर्ड वाले ऑप्शन को लेके। एंड गाइस उसके बाद आपको सिंपली आपको इसको अपने शोल्डर के पास ऐसे कुछ स्टेप से छोटा करते हुए पहुंचाना है, एंड गाइस इसको भी मूव बैक कर देना है। देन गाइस इतना कर देने के बाद आपको सिंपली फोटो को जूम करना है, एंड गाइस कुछ स्टेप से इसका जो साइज है कुछ इतना रखना है। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इरेजर टूल में जाके आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एरिया इरेज करना पड़ेगा। पहले तो गाइस मैं इसको अच्छे से पूरा परफेक्ट लगा लेता हूँ, अब गाइस यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ से गाइस टैप करेंगे, एंड यहाँ पे मॉडल लेंगे, मॉडल को लेने के बाद यहाँ पे हम इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे, एंड गाइस इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हार्डनेस जो है यहाँ पे बढ़ा देंगे कुछ इतना रखते हैं 74 तक। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हम इरेज करेंगे यहाँ से शोल्डर को ताकि जो लगे कि यहाँ जो है डॉग है हमारे शोल्डर के ऊपर मतलब कि आगे की तरफ आ रखा है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स रखना है। एंड गाइस इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं। एंड गाइस उसके बाद जो है भी हमारा डॉग जो है पीछे की तरफ वो गाइस थोड़ा पीछे के एरिया दिख रहा है उसको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉग पे एक बार पेंट कर टैप करेंगे, एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे, एंड ऐसे गाइस हम कुछ एरिया जो पीछे का उसको हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस जितना कर देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब यहाँ पे आप लोग डन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसको हम डन कर लेते हैं। अब गाइस जितना कर देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम जाएंगे गाइस यहाँ से ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम ऐड करेंगे एक पार्टिकल का पीएनजी, ठीक है, जो कि हमें यार पार्टिकल लगाना बहुत जरूरी है। आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद आपको ब्लेंडिंग मोड में जाकर स्क्रीन कर देना है, एंड उसके बाद आपको फुल स्क्रीन कर देना है कुछ इस टाइप से, ओके। सो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डन कर देना है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस यहाँ पे गाइस अभी शेडो बनानी हमारी रह गई है, तो उसके लिए करेंगे हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड यहाँ से गाइस ऐड करेंगे हम एक ब्लैक कलर की शीट, एंड गाइस इसको ऐड करने के बाद आपको साइज को जिस टाइप से रखना है, रेजर टूल में जाना है आपको उसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको साइज को छोटा कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे फोटो को जूम करेगा गाइस आपको सिंपली कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है, मतलब कि जितना आपको शेडो चाहिए आपको उतना पेंट करना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन करना है, एंड इसकी जो ओपेसिटी यहाँ पे गाइस आपको कम कर लेना है, एंड ओपेसिटी कम करने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे अब आप सभी को अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है क्योंकि गाइस अब हमें करनी है कलर करेक्शन। सो गाइस इसको हम ऐड करते हैं यहाँ से अब गाइस लाइटरूम ऐप में। सो गाइस हमने यहाँ पे अपनी फोटो को ऐड कर लिया है। अब गाइस यहाँ पे आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन जो आपको साइड में दिख रहा होगा, देन गाइस आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको जो हाईलाइट मिलेगा गाइस आपको इसका हाईलाइट थोड़ा सा कम कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको शेडो मिलेगी आपको थोड़ा सा शेडो इनक्रीज कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा व्हाइट गाइस सॉरी ब्लैक, आपको ब्लैक को जो है यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ा देना है। एंड गाइस जो ऊपर व्हाइट है गाइस आपको इसको थोड़ा सा कम कर देना है क्योंकि गाइस व्हाइट व्हाइट है जो ज़्यादा ही हमारी फोटो में। फिर इसके बाद आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में आपको सॉरी कलर्स वाला ऑप्शन में आपको इसकी थोड़ी वाइब्रेशन बढ़ा देनी है एंड थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना है। देन गाइस आपको जाना है ऐसे कलर मिक्स में, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस उसका सैचुरेशन आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कर देना है, जो ल्यूमिनस आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ से लेना आपको डार्क ब्लू, एंड गाइस अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो आप इसको माइनस कर देना सैचुरेशन। एंड गाइस पर्पल कलर में जाकर आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, पिंक कलर जो उसका भी थोड़ा सैचुरेशन माइनस कर देना है।
फिर गाइस जितना हो जाने के बाद आपको फिर रेड कलर लेना है, आपको इसका थोड़ा ह्यू चेंज कर देना है एंड उसके बाद सैचुरेशन प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको डन कर देना है, क्योंकि गाइस हमारा कलर का काम हो चुका है। अब गाइस यहाँ से हम चलते हैं कलर के नीचे वाले टूल में। फिर गाइस जो फोटो की जो क्लियरिटी है गाइस आपको उसको बढ़ा देना है एंड गाइस जो फोटो में विग्नेट आपको हल्का सा डाल देना है एंड इसको विग्नेट जो माइनस की तरफ कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको हम लेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। फिर गाइस जितना कर देने के बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर गाइस आपको यहाँ पे थोड़ी सी शार्पनेस है जो इसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइस जिसके नीचे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन आपको उसको बढ़ा देना है एंड गाइस जिसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन आपको उसको बढ़ा देना है। ठीक है, तो हम कलर नोटिफिकेशन बढ़ा देते हैं एंड गाइस कलर नोटिफिकेशन बढ़ाने के बाद आपको गाइस क्या करना है, आप सिंपली गाइस आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि गाइस हमारी फोटो एकदम कंप्लीट एडिटिंग हो चुकी है। अब गाइस आप सभी को करना है, गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। बाकी गाइस चलिए मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।